हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के बारे में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें मैरी कॉम का पूरा नाम के बारे में, तो मैरी कॉम का फुल नेम मांगते चुंगेन जंग मैरी कॉम है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कंगथेई में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। यह 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। कम उम्र से ही बहुत मेहनती थी मैरी कॉम। अपने माता पिता की मदद करने के लिए वे भी उनके साथ काम किया करती थी। साथ ही वे अपने भाई बहनों की देखभाल भी किया करती थी। मैरी ने इन सब के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटा क्रिश्चियन मॉडल स्कूल से की, जहाँ वे 6वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद मैरी कॉम संत जेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहां से इन्होंने कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की। आगे की पढ़ाई 9th और 10th के लिए वे आदिम जाति हाई स्कूल चली गई, किंतु वे परीक्षा में पास नहीं हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैरी ने बीच में ही छोड़ दी और आगे उन्होंने NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद मैरी कॉम ने अपना ग्रेजुएशन चूड़ाचांदपुर कॉलेज इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, वहाँ से कम्प्लीट किया। अब बात करते हैं दोस्तों मैरी कॉम के करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैरी को पता चला कि उनका परिवार उनके बॉक्सिंग के करियर बनाने के विचार से सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने परिवार से छुपा कर रखा। 1998 से 2000 तक वे अपने घर में बिना बताए ट्रेनिंग लेती रही। लेकिन सन 2000 में जब मैरी ने वीमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मणिपुर में जीत हासिल की और इन्हें बॉक्सर का अवार्ड मिला, तो वहाँ के हर एक समाचार पत्र में इनकी जीत की बात छपी। तब उनके परिवार को भी उनके बॉक्सर होने का पता चला। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मैरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और अपने राज्य का नाम ऊँचा किया। अब बात करते हैं मैरी कॉम के पर्सनल लाइफ के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैरी की मुलाकात 2001 में ओनलर से दिल्ली में हुई थी, जब वे पंजाब में नेशनल गेम्स के लिए जा रही थी। उस समय ओनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 4 साल तक दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता रहा, जिसके बाद सन 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों को 3 लड़के हैं, जिनमें से 2 जुड़वा बेटे का जन्म 2007 में हुआ था एवं एक और बेटे का जन्म हुआ 2013 में। बात करें इनकी अचीवमेंट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि मैरी कॉम ने अपनी लाइफ में बहुत सारी अवार्ड्स और कीर्तिमान अपने नाम की है। हाल ही में इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी अचीवमेंट पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम था मैरी कॉम, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं मैरी कॉम के कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैरी कॉम के पास मर्सिडीज बेंज GLS 350D है, जिसकी कीमत है लगभग 87 लाख रुपये। अब बात करते हैं मैरी कॉम के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैरी कॉम का नेटवर्थ लगभग 7 करोड़ रुपये है। दोस्तों अगर बात की जाए मैरी कॉम के और भी अन्य अचीवमेंट के बारे में, तो आपको बता दें कि मैरी कॉम को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। बात करें इनके हाउस के बारे में, तो आपको बता दें कि मैरी कॉम अपनी फैमिली के साथ मणिपुर में ही रहती है। तो दोस्तों यह थी मैरी कॉम की लाइफ स्टाइल वीडियो। यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।